हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम अभिनव है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा सेंट्यूरो के ओनरशिप के बारे में। ये मेरी बाइक है और ये बाइक मैंने ली थी 27 मई 2018 को। जानेंगे कि उस समय से अब तक इस बाइक में मुझे क्या दिक्कत आई है और क्या ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। पहले आप बाइक को देख लें। और कुछ इस तरीके की दिखती है ये, और करीब करीब 20,355 किलोमीटर चल चुकी है ये बाइक। ये इंजन पैनल है, तो बात करते हैं इस बाइक के बारे में। करीब करीब 20,355 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे अभी तक इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक बार इसका चैन सेट चेंज हो चुका है और कोई इसमें दिक्कत अभी तक तो मुझे महसूस नहीं हुई है। बाकी इस गाड़ी की 8 सर्विस हो चुकी हैं और सारी सर्विस महिंद्रा के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर हुई हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस बाइक की जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि इस जगह से ऑयल निकलता है इस बाइक के, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा चैम्बर जो है ऑयल से भरा रहता है, और ये ऑयल इंजन से नहीं निकलता है। जब हम चैन में ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल यहाँ इस जगह से आके निकल जाता है, पर देखने में आपको ऐसा लगेगा कि इंजन से निकल रहा है। इंजन से ऐसा कुछ ऑयल निकलता नहीं है, पर देखने में ख़राब लगता है, बाकी वैसे कोई बात है नहीं। इसके अलावा मुझे इस गाड़ी में अब तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। चलने में ये गाड़ी बहुत सही है, हाई स्पीड पे भी 80-85 गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होती है और गाड़ी अपने बैलेंस नहीं खोती है। 80-85 पे भी आपको कॉन्फिडेंस रहेंगे जितना आप 40 के आसपास रहते हैं, और ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। पिछले ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं 2 बार, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बार इसके ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं, और कुछ इस बाइक में नहीं कराया है मैंने अभी तक। ये बाइक है पूरी, यही मेरा रिव्यू था आज का, ऑनेस्ट रिव्यू, और कुछ इसमें मैंने अभी तक कराया नहीं है। आइए मैं आपको इस बाइक की आवाज़ सुनवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 20,355 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। आइए मैं आपको इस गाड़ी की आवाज़ सुना देता हूँ 20,000 चलने के बाद। कुछ ऐसी ही इस बाइक की आवाज है। और आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं बाइक को, मेरी बाइक हमेशा ऐसी ही रहती है। मुझे गंदी बाइक पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हमेशा ऐसी ही रहती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने और सुरक्षित चलें।